Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we will discuss forms of verbs. Previously we discussed the kinds of verb, so and types of verb. So today we will discuss forms of verb. Forms of verbs, जो है हमारे साथ five forms of verbs हैं. ठीक है? कितने हैं? Five forms of verbs. We have five forms of verb. So five forms of verb. We have first form of verb. Second form of verb, third form of verb, and fifth form of verb. This is called forms of verb. In forms of verb, we have first form of verb. This is also called bare form of verb. This is called infinitive form of verb. This is also called plural form of verb, and also best form of verb. These are the names of the what form? First form of verb. प्लूरल फॉर्म इसको क्यों कहते हैं? प्लूरल फॉर्म इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज वर्ब विदाउट एस आर ई एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम उसको कहते हैं जिसमें एस वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता. बेसिकली अगर हम बात कर ली प्लूरल फॉर्म की, प्लूरल फॉर्म हमारे साथ क्या है? जब हम प्लूरल बना देते हैं एक नाउन की, जिस तरह है हमारे साथ की, तो की के साथ प्लूरल जब हम बनाते हैं तो कीज करते हैं. जिस तरह हम बनाना सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बनाते हैं एस कर देते हैं. तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि प्लूरल फॉर्म हमारे साथ वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें एस या ईस का इजाफा नहीं होता बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. अब आते हैं लिट, व्हाट आर द यूसेज ऑफ दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? एक तो वी आर यूजिंग विद इन्फिनिटिव. आफ्टर इन्फिनिटिव आप देखिए, इन्फिनिटिव जब आप यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनिटिव और दूसरे इन्फिनेटिव हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे. अब देखिए, ही यूज टू गो द स्कूल, ही गोस यूज टू गो टू द पार्क एट्सेट्रा. तो आप देखिए यूज टू, तो ये तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है टू गो ये इन्फिनेटिव यूज़ की गई है, तो ये इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा इन्फिनेटिव के बाद. नेक्स्ट जो है कमांड सेंटेंस. कमांड सेंटेंस जो है इट्स कमांड, व्हाट इज़ कमांड सेंटेंस? कमांड सेंटेंस जो है इसको क्यों कहते हैं कि इन विच वी ऑर्डर समवन, विच वी रिक्वेस्ट समवन एट्सेट्रा, सो वी आर यूजिंग द कमांड सेंटेंस. कमांड सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ब एंड दैट वर्ब बी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक लुक एट सी, ओपन द डोर, ओपन योर बुक्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ command sentence. So command sentence will start with what? Helping, so starting with main verb, and that will be the first form of verb. Next we have the modal verb. Modal verb, up to the modal verb you can use first form of verb. I can leave the school, you may leave the class, etc. May I come in, etc. We use first form of verb there. After the modal verb we will use what form of first form of verb? First form of verb. Second, we will use with present indefinite plural subject. जहाँ पर present indefinite tense होगा और इसमें plural subjects होंगे तो वहाँ पर हम क्या use करेंगे? First form of verb या bare form of verb use करेंगे. We play hockey. यहाँ पर we जो है, we हमारे साथ plural subject है और play जो है plural verb है. We play. Play जो यहाँ पर है वो plural verb use की गई है. अब देखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर टेंस में भी हम सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. जिस तरह आई शैल गो टू पेशावर, आई शैल गो पेशावर, आई विल मेक अ केक, आई विल अरेंज अ पार्टी, तो इसके बाद हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे साथ यूसेज है आफ्टर डमी वर्ब, जो हमारे साथ डमी वर्ब्स है डू डिड डज, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगी उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट कुक द मील, शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ. ठीक है, तो यहाँ पर भी करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज आल्सो कॉल्ड वी टू. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड फास्ट फॉर्म ऑफ फास्ट फॉर्म.
So past tense, it is used in a past tense. Because of that reason, it is used in a past tense. Indefinite tense mean के indefinite form में सिर्फ जो हमारे साथ simple sentence होती है वहाँ पर हम second form of verb use करेंगे. Second जो है इसकी usage ये है कि story writings जो है हमारे साथ जितने भी हम 9 level पे या जो story elaborate करते हैं, explanation करते हैं, we use the second form of verb. Next, we will use the second form of verb with historical essay writing, etc. When we are illustrating past events, so we using second form of verb there. Next, we will talk about the third form of verb. We will talk about what? Third form of verb. Third form of verb is also called ED form. It is also called past participle. Another name of third form of verb, it is called past participle. Past participle we use in passive voice. All in all passive voices, we use third form of verb. In all passive voices, we will use third form of verb. Next, we will use after, has, have, had. Whether it is interrogative sentence or negative sentence, third form of verb hum has, had, have ke baad lagayenge. Chahe ye negative sentence ho, chahe ye interrogative sentence ho, chahe ye जो भी सेंटेंस हो, लेकिन जब हैज हैव आ जाए तो ये हमारे साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, हम विल बी, शिल बी, हैव टू, ऑट टू, ऑट टू बी. जब भी ऑट टू बी ऐसे अल्फाज आ जाए, ठीक है ना, मॉडल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी जिसमें बी इंक्लूड हो, तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं, क्योंकि वो पैसिव स्ट्रक्चर बन जाती है. द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड. तो यहाँ पर आप देखिए हम बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड वी फोर. फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब is also called ing form of verb. It is also called continuous form of verb, and the third one progressive form of verb, and also called the present participle. We have four name for this tense. One is called, that is why it is called continuous form of verb. Continuous form of verb is ko kyun kehte hai, kyunki because of that reason it is used in all six continuous tenses, like present continuous, past continuous, future continuous, and also in the perfect continuous tenses. It is also used in present perfect continuous, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tenses. In all continuous tenses, it is used as a main verb. So the fourth form of verb, it is called present progressive or present participle, present continuous, and ing form of verb. Next, we will talk about the fifth form of verb. Fifth form of verb, it is the verb which has or the addition of s or es, jisko hum singular verb bhi kehte hain. Verb jisme s ya es hum laga dete hain best form of verb ke sath, to isko hum fifth form of verb kehte hain. Ye kahan pe use ki jati hai? Pehle usage ye hai ki ye present indefinite tense jo positive sentence hai wahan par hum use karenge. और नेक्स्ट, हम ही शी इट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वहाँ पर ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे. अहमद सिंग्स अ सॉन्ग, अहमद अली प्लेज द क्रिकेट, तो यहाँ पर हम एस या ईस का इजाफा करेंगे. नेक्स्ट, जो हमारे साथ नेचुरल फिनोमिना की बात कर देते हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वहाँ पर यूज़ करेंगे. The sun rises in the east and sets in the west. So look at this sentence. We are using this, the fifth form of verb there also. When we are talking about the universal truth sentences, 2 and 2 makes 4. In this sentence, 2 and 2 makes 4. It is universal truth sentence, and that's also called, it is also used in that. The fifth form of verb is also used in this situation. Next we will use when we are starting the quotations, like the whole Quran says, Shakespeare say,
In these sentences, we will use fifth form of verb. If you're new on this channel, try to subscribe the channel and also like the video.